हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुदस्सिर हामिद एंड दिस इज रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्लेसेंटा और उसके फंक्शंस की। इन टुडेज वीडियो ट्यूटोरियल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लेसेंटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन द हिस्टोलॉजी। Classification of placenta based on histology. मतलब कहने का ये है कि placenta के types किस basis पे, कि प्लेसेंटा में कौन कौन सा टिश्यू है, उस बेसिस पे प्लेसेंटा के टाइप्स। आपको पता होना चाहिए प्लेसेंटा में मैटरनल टिश्यूज भी होते हैं एंड फीटल टिश्यूज भी होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बोला है। तो कितने मैटरनल टिश्यूज होते हैं, कितने फीटल टिश्यूज होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्लेसेंटा हैज बीन क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। द फर्स्ट वन इज एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा। एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा, मैं एक आसान सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये फीटल ब्लड वेसल है एंड दिस इज द फीटल सर्कुलेशन। लेट दिस इज द एंडोथीलियम ऑफ द फीटल ब्लड वेसल। ये रहा फीटल ब्लड वेसल का एंडोथीलियम और फीटल ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ऑब्वियसली ब्लड होगा। दिस इज द एंडोथीलियम ऑफ फीटल ब्लड सेल्स, बी ब्लड वेसल्स, फीटल कैपिलरीज। लेट यहां पर हम ड्रॉ करेंगे फीटल कोरियोनिक विलाय। ओके, दीज आर, दिस इज द एपिथेलियम ऑफ फीटल कोरियोनिक विलाय। ओके, दीज आर कोरियोनिक विलाय। एंड हियर इट इज द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ the fetal part. This is the connective tissue of the fetal part. तो ये वाला जो हिस्सा है, this is the fetal part. आगे हम draw करने वाले हैं हमारा maternal part of the placenta. ये मान लीजिए this is the endometrium. Let this is the endometrium of the uterus, right? ये रहा uterine endometrium. Okay, uterine endometrium के बाद हम ये लिखेंगे यहां पर, let this is the maternal connective tissue. Connective tissue and let these are the maternal blood vessels, maternal blood capillaries. ये रहा maternal blood vessels, maternal blood capillaries का endothelium, right?
एंड इनसाइड एंडोथेलियम दे हैव गॉट ब्लड मैटरनल ब्लड एंड दिस इज फीटल ब्लड. ओके, मतलब कहने का यह है कि यहां से यहां तक दिस इज द फीटल पार्ट. एंड यहां से यहां तक दिस इज द मैटरनल पार्ट. ओके, आप देख सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में तीन तरह के टिश्यूज हैं. कौन कौन सा टिश्यू? एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द फीटस, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द फीटस एंड कोरियोनिक एपिथेलियम ऑफ द फीटल कोरियोनिक विलाय. एंड मैटरनल पार्ट में भी तीन टिश्यूज हैं, यूट्रस का एंडोमेट्रियम, देन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द यूट्रीन वॉल एंड ब्लड वेसल्स जिनके अंदर लगा है एंडोथेलियम. तो कहने का मतलब यह है मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के बीच में छह टिश्यूज हैं, सिक्स टिश्यूज, सिक्स लेयर्स ऑफ टिश्यूज. बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड ओके, this type of placenta in which maternal and fetal circulation is separated by six layers of tissues. And सबसे important चीज क्या है? Chorionic epithelium या chorionic villi, they are in contact with the endometrium of the uterus, right? Endometrium of the uterus मतलब uterus के endometrium के epithelial lining के साथ वो touch करेंगे. ओके, दे आर कनेक्टिंग, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द एपिथेलियम ऑफ द यूटरस एंडोमेट्रियम. तो कोरियोनिक विलाई, दे आर इन टच, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस. दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा. एंड हियर मैटरनल सर्कुलेशन एंड फीटल सर्कुलेशन के बीच में छह लेयर्स ऑफ टिश्यूज होते हैं. तो एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन पिग. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड इन पिग्स एंड शीप, राइट. द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू, सॉरी प्लेसेंटा, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी इज सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा. Syndesmochorial placenta. मैं यही पे लिखूंगा. This is the second type. Syndesmochorial placenta. And this syndesmochorial placenta is present in camels and ruminants. Camels and ruminants. Okay, camels और ruminants में होता है. तो यहां पर क्या है? यहां पर सबसे पहले endometrium का जो epithelium है, the epithelium of the endometrium, या मैं बोलू endometrium is pierced by these chorionic villi. Chorionic villi endometrium को चीर देते हैं एंड they come in contact with the connective tissue of the mother. They are in touch or in contact with the connective tissue of the mother's uterine wall. आप देखिए एंडोमेट्रियम को काट के, चीर के ये कॉन्टैक्ट किए हैं किसके साथ? कनेक्टिव टिश्यू के साथ, राइट. दिस इज द एंडोमेट्रियम.
सो अंग्रेजी में हम लिखेंगे कि कोरियोनिक विल्लाई दे पियर्स द एंडोमेट्रियम एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ द मदर. देयरफॉर मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के बीच में एंडोमेट्रियम तो था है नहीं, एंडोमेट्रियम हट गया, एंडोमेट्रियम को चीर के कॉरियोनिक विल्ला ने कॉन्टैक्ट किया कनेक्टिव टिश्यू के साथ. तो मैटरनल साइड से दो ही टिश्यू लेयर्स बचे, एंडोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन फीटल साइड से बराबर तीन है, तीन और दो पांच. इसका मतलब देयर आर फाइव लेयर्स ऑफ टिश्यूज बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड. व्हाई? बिकॉज एंडोमेट्रियम हैज बीन पियर्स्ड बाय द कॉरियोनिक विल्ला. विद द रिजल्ट कॉरियोनिक विल्ला कम इन कॉन्टैक्ट विद द connective tissue layer of the mother. This type of placenta is found in camels and other ruminants. आपको मैंने डायग्राम में दिखा दिया. And this type of placenta is known as syndesmochorial placenta. I will tell you about the third one as well. Third one is endothelio-chorial placenta. Endothelio-chorial placenta. Endothelio-chorial placenta. तो यहां पर क्या होगा? यहां पर कोरियोनिक विल्ला दे विल पियर्स फर्दर, ये कनेक्टिव टिश्यू को भी पियर्स करेंगे. एंड विद द रिजल्ट कनेक्टिव टिश्यू को चीरते चीरते ये कॉन्टैक्ट करेंगे किसके साथ? दे विल मेक द कॉन्टैक्ट with the endothelium of the maternal circulation like this. पहले तो सिंडेस्मोकोरियल में सिर्फ एंडोमेट्रियम को ही चीर के कॉरियोनिक विल्ला अंदर आए थे, अब इन्होंने मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू को भी चीर दिया और मैटरनल एंडोथेलियम के साथ टच किया. विद द रिजल्ट मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के बीच में सिर्फ और सिर्फ मैटरनल साइड से एंडोथेलियम बचा और फीटल साइड से कॉरियोनिक विल्ला देन कनेक्टिव टिश्यू एंड देन फीटल एंडोथेलियम. तो चार टिश्यूज. There are only four layers of tissues found between the maternal and fetal circulation. This type of placenta is seen in animals like dogs and cats. Okay, then comes the last one, that is hemochorial placenta. Hemochorial placenta. This is the fourth one on the basis of histology. Hemochorial placenta mein kya hoga? Finally, ye jo chorionic villi hai, they will also pierce. What? They will pierce the endothelium of the blood vessels. Blood vessels ke endothelium ko bhi cheer dalenge. उनको भी खत्म कर डालेंगे. विद द रिजल्ट जो एंडोथीलियम है ये बीच में रहेगा नहीं एंड कोरियोनिक विल्ला विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द मैटरनल ब्लड डायरेक्टली. कोरियोनिक विल्ला विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द मैटरनल ब्लड. आप देख सकते हैं कोरियोनिक विल्ला डायरेक्टली मैटरनल ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट किए, मतलब मैटरनल ब्लड में कोरियोनिक विल्ला बात कर रहे होंगे कुछ इस तरह से. दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन विच कोरियोनिक विल्ला कम इन कॉन्टैक्ट विद द मैटरनल ब्लड. व्हाई? बिकॉज
endothelium has been pierced by the chorionic villi. Connective tissue of the mother has been pierced by the chorionic villi. Endometrium has also been pierced. मतलब maternal blood और fetal blood के बीच में maternal side से एक भी tissue नहीं है, सिर्फ सारे tissues, सारे barriers fetal side से हैं. Fetal chorionic villi, fetal connective tissue and fetal endothelium. This type of placenta is known as hemochorial placenta. And hemochorial placenta is found in primates including humans. Because humans are also primates. Right. And maternal or fetal blood ke beech mein teen layers of tissues. This was the first classification of placenta and it was based on histological connections between maternal and fetal sides. Dusra classification hum bolenge, classification based on origin. Origin of placenta. Classification based on origin. Origin ke hisab se placenta ke kitne types hain? Based on origin, placenta is of three types. First one is yolk sac placenta. Second one is allantochorionic placenta. And third one is chorionic placenta. Okay. The first one is yolk sac placenta. Yolk sac placenta. It is formed of क्या क्या है इसमें. It is formed of yolk sac and chorion. It is formed of yolk sac. Yolk sac membrane and chorionic membrane. अब आप बोलेंगे सर ये योक सैक और कोरियन क्या है. मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं देर आर फोर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स अराउंड द डेवलपिंग फीटस एंड दोज आर एमनियन कोरियन योक सैक एंड एलेंटोइस. इनके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं. इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट these extra-embryonic membranes, you need to go to my previous video tutorial on Radiance Biology classes. So, yolk sac membrane or chorion milke placenta banate hain. They contribute in the formation of placenta and this type of placenta is known as yolk sac placenta. Right? Yolk sac placenta is present in marsupials. Marsupials, what are marsupials? Marsupials are metathelian mammals. Metathelian mammals show ovoviviparous condition. The best example is kangaroos and opossums. Second type of placenta is allantochorionic placenta. Yeah, simply allantoic placenta bhi bolte hain. This allantochorionic placenta or allantoic placenta is formed of allantois and again chorion. Okay, it is seen in case of eutherian mammals excluding primates. Eutherian mammals but excluding primates, excluding humans. And third one is chorionic placenta. Chorionic placenta is that type of placenta in which only chorion takes part in its formation. So it's formed only of chorion. Example mein aap primates likh sakte hain and
यू नो दैट प्राइमेट्स इंक्लूड ह्यूमंस एज वेल. ओके, इट वॉज अ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस कर सकते हैं, तीनों में से किसी भी टाइप ऑफ प्लेसेंटा में एमनियॉन हिस्सा नहीं लेता. एमनियॉन डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा. किसी भी प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में एमनियॉन कोई हिस्सा नहीं लेता. हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कोरियॉन. कोरियॉन टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा. एमनियॉन कोई भी टाइप का प्लेसेंटा बनाने में कोई पार्ट नहीं प्ले करता, बट कोरियॉन टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा. अनदर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन बिहेवियर ड्यूरिंग पार्टूरिशन. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा बेस्ड ऑन बिहेवियर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ, बिहेवियर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, और बिहेवियर ड्यूरिंग पार्टूरिशन. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर ड्यूरिंग पार्टूरिशन. पार्टूरिशन बोले तो बर्थ प्रोसेस. पार्चुरेशन के टाइम पे प्लेसेंटा का क्या होगा, ये कैसा बिहेवियर दिखाएगा, क्या ये प्लेसेंटा मदर के वॉम्ब में ही रहेगा या बाहर आएगा डिलीवरी के बाद, उस बेसिस पे प्लेसेंटा तीन टाइप्स का होता है. द फर्स्ट वन इज डेसिडुएट प्लेसेंटा. डेसिडुएट प्लेसेंटा. Here in this deciduate placenta, both maternal part as well as fetal part are lost after the delivery of the baby. Both maternal and fetal parts are lost after delivery of the baby. जैसे ही बेबी बाहर आया तो फिर प्लेसेंटा भी बाहर आता है. दोनों मैटरनल पार्ट एज वेल एज फीटल पार्ट दोनों ही बाहर आते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज आफ्टर बर्थ. राइट, दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज सीन इन केस ऑफ ह्यूमंस. Second type is non-deciduate placenta. Non-deciduate placenta. Non-deciduate placenta. Here, in this case, maternal part is retained by the mother, while as the fetal part is lost. Maternal part of the placenta retained by the mother. Mother ke womb mein maternal part rahega, but jo placenta ka fetal part tha, that comes out. Only fetal part is lost. Right, third one is contradeciduate placenta. Here it is a very complex type of placenta. Yahan par maternal aur fetal part mein bahut strong connection hota hai. So is lal ek minute. Here I'll write only fetal part is lost after the delivery. यहां पर कॉन्ट्राडेसिड्यूएट वाले प्लेसेंटा में दोनों बोथ फीटल एंड मैटरनल पार्ट्स आर रिटेन्ड. रिटेन्ड बाय द वॉम्ब ऑफ द मदर. बात में
लेटर दे आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द यूट्रीन सर्कुलेशन यूट्रीन एंडोमेट्रियम ऑफ द मदर. इट वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लेसेंटा ऑन बिहेवियर ड्यूरिंग पार्टुरेशन. इनमें से आपने ये वाला याद रखना है बिकॉज हम ज्यादातर ह्यूमेंस के बारे में पढ़ते हैं तो ह्यूमेंस हैव डेसिड्यूएट प्लेसेंटा. तो ह्यूमेंस हैव डेसिड्यूएट प्लेसेंटा प्लस इससे पहले जो हमने पढ़ा था ह्यूमेंस हैव हीमोकोरियल प्लेसेंटा. ह्यूमेंस हैव डेसिड्यूएट प्लेसेंटा. ह्यूमेंस हैव कोरियोनिक प्लेसेंटा. कोरियोनिक प्लेसेंटा ह्यूमेंस हैव यहां पर डेसिड्यूएट प्लेसेंटा एंड ह्यूमेंस हैव हीमोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा. राइट. The last classification is on the basis of chorionic villi. On the basis of chorionic villi, placenta is of five types. Chorionic villi मतलब chorionic villi कैसे distribute हुए हैं fetus के ऊपर. उस basis पे chorionic villi कैसे distribute हुए हैं, कैसे arrange हुए हैं fetus के ऊपर उस basis पे. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाय. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाय. सबसे पहला हम लिखेंगे diffused type of placenta. सिंपल सी बात है, डायग्राम नहीं बनाऊंगा. diffused placenta is that type of placenta in which पूरा फीटस के ऊपर जो कोरियोनिक विलाय हैं, दे आर diffused all over the surface of the fetus. Right? Second one is zonary type of placenta. अगेन हियर फीटस के कुछ छोटे से पार्ट के ऊपर, सम जोन ऑफ द फीटस, सम पार्ट ऑफ द फीटस दैट इज कंटेनिंग द कोरियोनिक विलाय. बाकी ऑल ओवर द सरफेस कोरियोनिक विलाय नहीं होते, फीटस के कुछ पार्ट पे, कुछ जोन पे कोरियोनिक विलाय होते हैं. दैट विल बी द जोन विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द मैटरनल टिश्यूज. थर्ड वन इज कॉटिलीडनरी प्लेसेंटा. Cotyledonary placenta is a little bit more or less like zonary placenta. बस फर्क सिर्फ इतना है, यहां पर fetal और maternal tissues के बीच में जो zone है, that zone is shaped in the form of the cotyledons of the seed. Right? ऐसे cotyledon-like structures बनते हैं. Those cotyledon-like structures are consisting of the chorionic villi. Fourth one is metadiscoidal type of placenta. And fifth one is discoidal type of placenta. Okay. In metadiscoidal placenta, initially the chorionic villi are produced all over the surface of the fetus. Pure fetus ke surface ke upar, all over surface ke upar chorionic villi produce hote hain. Lekin in the later stages of development, dheere dheere जैसे डेवलपमेंट फीटस का हो रहा है, इन द लेटर स्टेजेस द कोरियोनिक विलाय आर डिसॉल्व्ड. सिर्फ कोरियोनिक विलाय एक जगह पर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर. दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन विच कोरियोनिक विलाय इनिशियली आर प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द फीटस, लेटर दे आर रेस्ट्रिक्ट टू अ डिस्कॉइडल रीजन एट द कनेक्शन बिटवीन मैटरनल टिश्यू एंड फीटल टिश्यू. दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा. We'll write here, initially, chorionic villi all over the fetal surface, but later, they are restricted to
शेप्ड रीजन। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज सीन इन केस ऑफ प्राइमेट्स, दैट इज ह्यूमंस। डिस्कॉइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द कोरियोनिक विल्ला आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ डिस्कॉइडल रीजन। From the very beginning, the chorionic villi are restricted to a disc-shaped region. Okay. It was all about the different classifications of placenta. We have seen the classification of placenta on the basis of histology. We have seen the classification of placenta on the basis of origin. We have seen classification of placenta on the basis of distribution of chorionic villi. And we have seen classification of placenta on the basis of on the basis of बिहेवियर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो हिस्टोलॉजी के हिसाब से ह्यूमेंस में हीमोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा होता है, राइट? ह्यूमेंस हैव हीमोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। आई विल राइट हियर, ह्यूमन प्लेसेंटा इज हीमोकोरियल। मैंने इसके बारे में बताया है, ह्यूमन प्लेसेंटा इज कोरियोनिक, राइट? Then human placenta is deciduate type of placenta. Then human placenta is metadiscoidal type of placenta. These are the characteristics of human placenta. It was all about different classifications of placenta. अगले अपने forthcoming videos में हम process of parturition के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज एंड टेक केयर।